किसी भी जॉब, किसी भी ऑफिस में अप्लाई करने से पहले जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से बहुत सारे बंदे सही जगह पे अप्लाई नहीं कर पाते हैं, उनका काम नहीं हो पाता है। तो जॉब के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन कंप्लीट जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, पूरी जानकारी आपको हमारी वीडियो पे मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, बहुत सारी अपडेटेड रिक्वायरमेंट, उम्मीद करेंगे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो हेल्पफुल होता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया है जो कि कतर का रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट फॉर कतर, ये सीवी सिलेक्शन होने वाला है। एनडीटी एंटरप्राइज की तरफ से रिक्वायरमेंट है। अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर द फॉलोइंग जॉब ट्रेड्स एंड द लीडिंग कोरियन MNC कंपनी का रिक्वायरमेंट है कतर के लिए, जो कि अच्छी और बेहतरीन कंसल्टेंसी का रिक्वायरमेंट है। अगर बात करें वर्कशॉप क्लर्क का रिक्वायरमेंट है, एक ही बंदे की रिक्वायरमेंट है। सैलरी यहाँ पे मेंशन है 900 USD का सैलरी रहेगा या 26 डे ड्यूटी रहेगा, 12 घंटा काम करना होगा। कंपनी प्रोवाइड करेगी आपको फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल कंपनी की तरफ से होगा। इंटरेस्टेड जो भी बंदे हैं अप्लाई करने के लिए, सिंपल सा प्रोसेस है अप्लाई करने के लिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखें मेल आईडी अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी अवेलेबल है। और काइंडली रिज्यूम अलॉन्ग विथ योर एकेडमिक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट कॉपी और कतर लाइसेंस कॉपी भी होना चाहिए आपके पास में, तो अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद के साथ इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर साबित हो गया है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया है जो कि जेरी वर्गीस की तरफ से रिक्वायरमेंट है। FMC जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, FMC जॉब अपॉर्चुनिटी है। और यह बात करें कौन कौन से पोजीशंस का यहाँ पे जॉब है, तो सिंपली देख पा रहे हैं यहाँ पे लेबोरेटरी टेक्नीशियंस का रिक्वायरमेंट है, लाइन इंस्पेक्टर का रिक्वायरमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट असिस्टेंट का रिक्वायरमेंट है, फोरक्लिप ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट मेंशन किया गया, जूनियर प्रोडक्शन मेंटेनेंस टेक्नीशियंस का रिक्वायरमेंट है, मैकेनिक का रिक्वायरमेंट यहाँ पे, फैसिलिटी सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट, फोरक्लिप टेक्नीशियंस का भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे पब्लिश किया गया है। जो भी अप्लाई कर रहे हैं जॉब कोड यहाँ पे देख पा रहे हैं सिंपली JRE 24200, यहाँ पे ये जॉब कोड जरूर मेंशन करें, इसमें से रिप्लाई आने का चांसेस आपको बढ़ जाता है। मैकेनिक ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है, मशीन ऑपरेटर या इलेक्ट्रिशियंस का भी रिक्वायरमेंट इसके अंदर पब्लिश किया गया। अप्लाई करने का प्रोसेस की अगर बात करेंगे, अगर से अप्लाई करने के लिए सिंपल सा है, जेरी वर्ग का यहाँ पे देख रहे हैं मेल आईडी अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको मिल जाएगा। और ये मुंबई हैदराबाद, कोची, बैंगलोर, चेन्नई, बड़ौदा, कहीं भी किसी भी स्टेट में है, नियर बाय अपने स्टेट, सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। कंसल्टेंसी नंबर वन है, भरोसेमंद है, भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया है, जो कि ये रिक्वायरमेंट सऊदी अरब का रिक्वायरमेंट, अरामको ऑपरेशन मेंटेनेंस प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट इसके अंदर पब्लिश किया गया है। क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है, कब होगा अभी आपको बताएंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं मेंटेनेंस प्रोजेक्ट केएसए किंगडम ऑफ सऊदी अरब का रिक्वायरमेंट है। क्लाइंट स्काइप इंटरव्यू इन दिसंबर में ही होने वाला है, स्काइप इंटरव्यू होगा। स्काइप एक एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उसी के थ्रू इंटरव्यू होने वाला है। सिंपली आपको इंस्टॉल करना है, थोड़ा सा स्टेप पे अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पे कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का जॉब है यहाँ पे, शॉर्ट लिस्टिंग एंड प्रोग्रेस बता रहा है। तो यहाँ पर बात करते हैं कौन कौन से पोजिशन का यहाँ पर रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया है। कोरोसिन इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है, मैकेनिकल इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, INC इंजीनियर, प्लानिंग इंजीनियर, रोटेटिंग एंड इक्विपमेंट इंजीनियर, मेंटेनेंस इंजीनियर, क्रॉसिंग मेंटेनेंस एंड क्रॉस प्रोसेसिंग इंजीनियर का रिक्वायरमेंट, मेंटेनेंस प्लानर का रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा PMP एनालिसिस फाइनेंस अकाउंट का रिक्वायरमेंट यहाँ पब्लिश किया गया। जितनी भी रिक्वायरमेंट है इसके बाद देख ले, सिंपल सा यहाँ पे एक प्रोसेस मेंशन किया गया जो कि Grade 1, 2 और 3 ग्रेड में इसको डिवाइड किया गया। कैंडिडेट शुड हैव डिग्री विथ मिनिमम 12 ईयर, ये Grade 1 के लिए है, ऑयल एंड गैस का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। और Grade 2 के लिए है 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और Grade 3 के लिए है मिनिमम हैव डिग्री होना ही चाहिए प्लस मिनिमम 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑयल एंड गैस फील्ड में। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप एलिजिबल है इसके अकॉर्डिंग, तो सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अपना अपडेटेड CV अलॉन्ग विथ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, कंप्लीट डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ क्लियर किया गया, प्लीज़ मेंशन योर स्काइप ID ग्रेड एज पर एक्सपीरियंस इन योर CV, ओनली फॉर इंडियंस। तो यहाँ पे देख ले, सिंपली आपको मेंशन करना पड़ेगा आपका एक्सपीरियंस क्या है, नहीं है, और स्काइप ID जरूर मेंशन करना होगा। यहाँ पे सैलरी नेगोशिएबल है, बात कर सकते हैं आप।
और बात करें कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी जेन्युइन 100% जेन्युइन और भरोसेमंद, भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए मेल आईडी अवेलेबल है, कोई भी डाउट्स कोई भी क्वारीज है तो कॉन्टैक्ट डिटेल से कॉन्टैक्ट डिटेल के थ्रू कॉन्टैक्ट करें, क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद के साथ इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर साबित हो गया है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया है सऊदी अरब का, ये रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में क्लियर बात करते हैं। सऊदी अरब फॉर द माइनिंग डिजाइन प्रोजेक्ट फ्री रिक्वायरमेंट नेशनैलिटी एनी, तो कोई भी नेशनैलिटीज बंदे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ऑल द पोजिशन मस्ट हैव फील्ड एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास में, स्काइप इंटरव्यू होगा, वीज़ा रेडी है बिल्कुल, एक्सेलेंट सैलरी होगा, अदर बेनिफिट के साथ में वैकेंसीज लार्ज नंबर में है। तो बात करते हैं पोजिशन की, कौन कौन से पोजिशन का यहाँ पे रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया है। प्रोजेक्ट मैनेजर का रिक्वायरमेंट है, प्रोग्रामर प्लानर सीनियर का रिक्वायरमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजर का रिक्वायरमेंट है, डिसिप्लिन इंजीनियर, सीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड सीनियर मैकेनिकल इंजीनियर, सीनियर स्ट्रक्चरल इंजीनियर एंड सीनियर सिविल 3D इंजीनियर एंड सीनियर सिविल इंजीनियर का भी रिक्वायरमेंट इसके अंदर पब्लिश किया गया। सीनियर स्ट्रक्चरल ड्राफ्टमैन का भी रिक्वायरमेंट इसके अंदर पब्लिश किया गया। कंप्लीट डिटेल्स देख पा रहे हैं, पूरा कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे रीड कर ले। अप्लाई करने का प्रोसेस हम बताएंगे आपको कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए सिंपली यहाँ पे मेल आईडी देख पा रहे हैं, मेल आईडी के थ्रू मेल करना होगा। कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है यहाँ पे, किसी तरह के कोई कॉन्टैक्ट होगा तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेल आईडी अवेलेबल, मेल आईडी थ्रू मेल करें, क्लियरली देख पा रहे हैं मेल आईडी अवेलेबल है। और कोई भी डाउट्स को भी क्वारी तो ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें इसे ज़्यादा जानकारी के लिए। कंसल्टेंसी की बात करें, क्रिसेंट कैरियर अच्छी और बेहतरीन कंसल्टेंसी, भरोसेमंद, भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया, जो कंट्रोल पैनल ऑपरेशन अपॉर्चुनिटी फॉर GCC का, ये GCC के लिए है। रेपुटेड ऑयल एंड गैस कंपनी का रिक्वायरमेंट, अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर द हायरिंग फॉलोइंग पोजीशंस फॉर द वेरियस रिफाइनरी यूनिट, रिफाइनरी यूनिट के लिए ये रिक्वायरमेंट है। कंट्रोल पैनल ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट यहाँ पे पब्लिश किया गया, तो देख पा रहे हैं अच्छी तरह से आपको पेपर मिल जाएगा टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल, अच्छी तरह से वीडियो रीड कर ले, पॉज करके चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस हमने पहले ही बताया हुआ है। अप्लाई करने के लिए नियर बाई सिटी देख पा रहे हैं यहाँ पे मुंबई, चेन्नई एंड बड़ौदा का यहाँ पे मेल आईडी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है। यहाँ पे भी ऑफिस अवेलेबल है, वहाँ ब्रांचेस है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर साबित हो गया है। वहाँ ट्रेवल्स की तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया, जो कि वहाँ जेन्युइन कंसल्टेंसी है, रिक्वायर्ड फॉर कतर, कतर का रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे पोजीशंस की यहाँ पे बात करें, केबल जॉइंटर का रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया, इलेक्ट्रीशियन का रिक्वायरमेंट पब्लिश किया, इलेक्ट्रिकल फिटर यानी इलेक्ट्रीशियन का रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का रिक्वायरमेंट है, स्कैफोल्डर का रिक्वायरमेंट है, 50-50 बंदों की यहाँ पे रिक्वायर्ड है। सैलरी यहाँ पे मेंशन की गई, सिंपली GCC एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, GCC एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिंपली वेबसाइट यहाँ पे अवेलेबल है, मेल आईडी अवेलेबल है, मेल आईडी के थ्रू मेल करें, कोई भी डाउट्स को भी क्वारी जो कॉन्टैक्ट करें क्लियर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट UAE का रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया, जो UAE लॉन्ग टर्म का रिक्वायरमेंट, अंबे इंटरनेशनल की तरफ से रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया। प्रोजेक्ट मैनेजर मटेरियल इंजीनियर का रिक्वायरमेंट, स्टॉक कंट्रोल इंजीनियर का रिक्वायरमेंट, ऑपरेशन कोऑर्डिनेटर का रिक्वायरमेंट, मटेरियल कोऑर्डिनेटर, प्लानिंग कोऑर्डिनेटर एंड लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर, SDL कोऑर्डिनेटर एंड प्रोसेसमेंट कोऑर्डिनेटर का रिक्वायरमेंट। जितने भी कैंडिडेट हैं उनके पास में 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उससे कम का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई करेंगे भी तो कुछ खास फायदा होने का चांसेस नहीं है। तो यहाँ पर बात करते कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हमेशा ध्यान दें इस चीज़ को। कैंडिडेट जो भी है उनके पास रिफाइनरी का एक्सपीरियंस होना चाहिए और बोथ इन इंडिया एंड UAE का भी एक्सपीरियंस होना ही चाहिए आपके पास में। अप्लाई करने के लिए अपना अपडेटेड CV, पासपोर्ट कॉपी, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और जो भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट अटैच करके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप मेल आईडी पे अप्लाई कर सकते हैं, या डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके या ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं, वहाँ से आप क्लियरली सारा कुछ आपको पता लग जाएगा, कैसे क्या इंटरव्यू होगा कंप्लीट प्रोसेस वहाँ पता जाएगा। अगर मुंबई में अवेलेबल है ऑफिस विजिट करें, ऑफिस विजिट करने के लिए आप एड्रेस मेंशन किया गया, कोई भी डाउट्स को भी क्वारी कॉन्टैक्ट के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। कंसल्टेंसी की बात करें, अंबे इंटरनेशनल अच्छी और भरोसेमंद कंसल्टेंसी, भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर साबित हो गया है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पर पब्लिश किया गया, जो कि दीवान कंसल्टेंसी की तरफ से रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड फॉर द अर्जेंटली फॉर द लीडिंग कंपनी इन KSA किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया का रिक्वायरमेंट है। कंपनी का यहाँ पर नाम मेंशन नहीं किया, होटल इंडस्ट्रीज का ये रिक्वायरमेंट है, तो अच्छी तरह से रीड कर ले, अच्छी तरह से पॉज करके वीडियो। अप्लाई करने का कंप्लीट डिटेल यहाँ पे मेंशन किया गया, अप्लाई करने के लिए आप नीचे की तरफ देख पाएंगे सिंपली, यहाँ पे मेल आईडी अवेलेबल है, कोई भी डाउट्स को भी क्वारीज कॉन्टैक्ट के थ्रू क्लियर कर सकते हैं आप। इससे ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, कंसल्टेंसी अच्छी और भरोसेमंद है, भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। दीवान का कुछ और रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया, जो कि कुवैत का ये रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में बताया आपको क्लियरली।
दीवान का ये रिक्वायरमेंट अच्छी और बेहतरीन कंसल्टेंसी है रिक्वायर्ड फॉर द लीडिंग कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी फॉर देयर शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट इन कुवैत। तो कुवैत में कुछ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट का काम हो रहा है तो इसके लिए कुछ बंदों की रिक्वायर्ड है। तो उसमें कौन कौन सी पोजिशन का रिक्वायरमेंट है इसकी अगर बात करें तो इंसुलेशन फोरमैन का रिक्वायरमेंट है, इंसुलेटर का रिक्वायरमेंट है, स्टील मेटल फिल्टर का रिक्वायरमेंट है, स्प्रे पेंटर का रिक्वायरमेंट यहाँ पर, सैंड ब्लास्टर एंड हेवी ड्राइवर का भी रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया है। यहाँ पर वैलिड आपके पास में कुवैत लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस है तो सिंपली अप्लाई करें। अप्लाई करने का प्रोसेस यहाँ पर सिंपल से मेंशन किया गया है। और इसके पहले बताते क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है मुंबई में दिसंबर 15 को होने वाला, अभी भी टाइम है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए मेल आईडी अवेलेबल, मेल आईडी के थ्रू मेल करें, कोई भी डाउट्स कोई भी क्वारीज होता है कॉन्टैक्ट के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें www.diwankonsultancy.com पे। दीवान की तरफ से कुछ और रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया जो कि फ्री रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे कोई चार्जेस आपको पे नहीं करना। ये कतर का रिक्वायरमेंट है, इंटरनेशनल रिटेल चैन इन कतर, स्टॉक कीपर का रिक्वायरमेंट है, स्टॉक कीपर का है या फिर स्टोर कीपर का सेम होता है। तो यहाँ पर अप्लाई करने का प्रोसेस सेम सिंपल सा प्रोसेस है और यहाँ पर डेट भी क्लाइंट इंटरव्यू का 15th को डेट यहाँ पर मेंशन किया गया 15 दिसंबर। सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कंप्लीट डिटेल्स है, मेल आईडी अवेलेबल, मेल आईडी थ्रू मेल करें, कोई भी डाउट्स कोई भी क्वारीज कॉन्टैक्ट के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। कंसल्टेंसी की बात करें दीवान अच्छी और बेहतरीन कंसल्टेंसी, भरोसेमंद है, भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। दीवान की तरफ से कुछ और रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया जो कि दुबई का ये रिक्वायरमेंट है, फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी का रिक्वायरमेंट है, सिक्योरिटी गार्ड का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। सिक्योरिटी गार्ड के लिए बंदे जो भी है इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करें। यहाँ पे कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन किया गया जो कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, सिंपली सी हाइट और सिक्योरिटी गार्ड पे हाइट ज़्यादा मेंशन किया गया है। हाइट आपको इतना होना चाहिए, मिनिमम से मैक्सिमम कंप्लीट दिया गया ये, और एजुकेशन 10th होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए बंदा, और इंग्लिश तो आना ही चाहिए, कंपलसरी है ये इंग्लिश के लिए। और एज लिमिट दिया गया 21 से 35 एज लिमिट, इससे ज़्यादा एज वाले बंदे अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई करने का प्रोसेस की बात करें यहाँ पे मेल आईडी अवेलेबल, मेल आईडी के थ्रू मेल करें, कोई भी डाउट्स कोई भी क्वारीज कॉन्टैक्ट के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। कंसल्टेंसी की बात करें अच्छी और बेहतरीन कंसल्टेंसी दीवान कंसल्टेंसी, ये मुंबई में अवेलेबल है, भरोसेमंद है, रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी, भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर साबित हो गया है। अडमायर गल्फ की बात करते हैं, अडमायर गल्फ की तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया जो कि 15 दिसंबर को इसका इंटरव्यू होने वाला है फॉर लीडिंग लार्ज कंस्ट्रक्शन कंपनी का रिक्वायरमेंट है, सऊदी अरब का रिक्वायरमेंट है, लॉन्ग टर्म जॉब होगा, बट डायरेक्ट क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है 15 दिसंबर को। और ये पेपर आपको क्लियर यहाँ पे नहीं दिख रहा था, पेपर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, वहाँ से क्लियरली देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए मेल आईडी यहाँ पे अवेलेबल है, मेल आईडी टू मेल करें, कोई भी डाउट्स कोई भी क्वारीज कॉन्टैक्ट करके क्लियर कर सकते हैं। पेपर सिंपली आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आईटीएल की बात करें, आईटीएल की तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया, सऊदी अरब का ये रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है 17 दिसंबर को होने वाला है कोची में। इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियंस का रिक्वायरमेंट, ईएनआई टेक्नीशियन, ईएनआई सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया। और अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे मेंशन है, अप्लाई करने के लिए मेल आईडी है, मेल आईडी थ्रू मेल करें, कोई भी डाउट्स कोई भी क्वारीज कॉन्टैक्ट डिटेल्स है कॉन्टैक्ट के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। कंसल्टेंसी की बात करें आईटीएल अच्छी और बेहतरीन कंसल्टेंसी, भरोसेमंद है, भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर साबित हो गया है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पब्लिश किया गया, लीडिंग कंपनी रिक्वायर्ड फॉर दुबई वॉल के इंटरव्यू 15 तारीख को त्रिची में इंटरव्यू होने वाला है। हेवी ड्राइवर, लाइट ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर का रिक्वायरमेंट है। एज लिमिट यहाँ पर दिया गया 47 लास्ट एज लिमिट है, अप टू 47 दिया गया यहाँ पे। सिंपली अप्लाई कर सकते हैं, आपका ऐसा लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड और एक्सपायर्ड लाइसेंस होना चाहिए, गल्फ लाइसेंस यहाँ पे है तो सिंपली अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए मेल आईडी अवेलेबल है, मेल आईडी के थ्रू मेल कर सकते हैं, कोई भी डाउट्स को भी क्वारीज कॉन्टैक्ट के थ्रू क्लियर करें। और बात करते हैं एनएस कंसल्टेंसी की, तो अच्छी और बेहतरीन कंसल्टेंसी, भरोसेमंद है, भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा अब तक का कंप्लीट रिक्वायरमेंट, उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आएगा, पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, पहले चैनल विजिट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाए, ऑल पे क्लिक करें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल पाए। कुछ कमेंट्स है, कमेंट्स की बात करेंगे, बने रहिए वीडियो के एंड तक। कमेंट्स की बात करें यहाँ पे साहेब एकेडमी कंसल्टेंसी लिखते हैं, कीप इट ब्रो, थैंक यू वेरी मच जी। अब्दुल वाहिद लिखते हैं सऊदी अरब लाइट ड्राइवर, हेवी ड्राइवर, प्रेशर है फर्नीचर का, भाई आपका बहुत लंबा हिसाब किताब है। चांद अली लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया भाई जान, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया चांद अली जी मैसेज करने के लिए। अजमुद्दीन खतार लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई जान, गुड शेयरिंग, थैंक यू वेरी मच जी। वालेकुम अस्सलाम अजमुद्दीन जी। KGF लिखते हैं थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन सर, थैंक यू वेरी मच जी। फिरोज आफ्ताब लिखते हैं भोजपुरी वर्ल्ड सिवान, गुड जॉब फॉर अस, गुड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच जी फिरोज जी।
इमरान खान लिखते हैं नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू वेरी मच इमरान जी। रुस्तम अली लिखते हैं गुड इन्फॉर्मेशन सर, थैंक यू वेरी मच जी रुस्तम जी। आदिल अहमद लिखता है सलाम अलैकुम, खैरियत से होंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी आदिल जी बहुत अच्छे हैं हम। रुस्तम अली जी लिखते हैं गुड इन्फॉर्मेशन सर, थैंक यू वेरी मच जी रुस्तम अली जी साहेब अकेडमी जी। यहाँ पर सिकंदर आलम लिखते हैं योर वीडियो गुड, थैंक यू वेरी मच जी। आदिल अहमद लिखते हैं भाई जान डब्ल्यू डे का पेपर नहीं आया, जिस दिन रिक्वायरमेंट होगा अपडेटेड, जिस दिन हमें वक्त मिलेगा तो उसका पेपर आएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि टाइम नहीं होने की वजह से वीडियो पब्लिश नहीं किया जाता। शेख जाफर वासुन लिखते हैं नाइस जॉब, थैंक यू वेरी मच जी शेख जाफर जी। मिथिलेश कुमार लिखते हैं गुड मॉर्निंग, थैंक यू जी मिथिलेश जी। फुल मोहम्मद लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी अच्छे हैं जी फुल मोहम्मद जी। अनवर खान लिखते हैं जॉब बैंक वेबसाइट कैसी है भाई, इसके बारे में हमें नहीं पता। रमजान अहमद लिखते हैं भाई आज का वीडियो डालो प्लीज़ भाई, वीडियो थोड़ा वक्त तो मिले। आशीष आर्य लिखते हैं भैया कोई दुबई का वीज़ा है? जी हाँ बिल्कुल है, प्लम्बर का वीज़ा क्यों नहीं है। शोएब सलमानी लिखते हैं यहाँ पे एचआर ऑफिस कॉन्टैक्ट नंबर आपको ये गूगल में मिल जाएगा, थोड़ा ध्यान दें उस पर हो जाएगा आपका काम। रघुनंदन लिखते हैं भाई डेली वीडियो अपलोड करो, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे आगे से। सोहेल मौला लिखते हैं नाइस वीडियो, थैंक यू वेरी मच जी सोहेल मौला जी। ये था हमारा अब तक का कंप्लीट रिक्वायरमेंट, कंप्लीट अपडेटेड। उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने भाइयों दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी सही जानकारी और सही इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। एजेंट से दूर रहें, किसी भी लेन देन के पहले सोचे समझे फिर लेन देन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल, टेक केयर।